डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम 69 बीपीएससी की टॉप 1000 सीरीज में हिस्ट्री के पार्ट 7 को करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री के 6 पार्ट आ चुके हैं और ये 7th पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है ए, उदारवादी चरण कहा जाता है। जैसा कि हम सभी पता है कि देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उसके बाद से जो 1905 तक का समय था उसे उदारवादी कहा जाता था। इस समय जो नेताओं का वर्चस्व थे वे नरमपंथी व्यक्ति थे, क्योंकि इनका जो लक्ष्य था वह ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा करना और अपनी मांगों को प्रतिवेदनों भाषण और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा था। और इस समय के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? दादा भाई नेहरूजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय। ये जो लोग थे यह नरमपंथी नेता थे और ये लोग ना संवैधानिक तरीके द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मांगों में प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र और शिष्टमंडलों को अपनाया था। और दो चरण है, फिर दूसरा चरण कौन सा है? वह है 1905 से 1913। इसको कौन सा चरण कहते हैं? देखो, ये इसको कहते हैं उग्रवादी चरण। ठीक है, इस टाइम पे जितनी भी चीज़ें थी, इस समय के जितने भी नेता थे वो काफ़ी उग्रवादी थे और उदारवादी नीतियों से इन लोगों का जब मोह भंग हो चुका था तब इस समय के लोगों को नव राष्ट्रवाद का काल भी माना गया। इस समय के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। ठीक है, यह लोग थे, यह उग्रवादी चरण से थे, यह विद्रोह करने पे और इन तरीके की चीज़ों के द्वारा हाथ, इनका मानना था कि हाथ पांव जोड़कर अंग्रेज कभी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे और स्वतंत्रता की भीख मांगने से हमें कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता है, और वह इसी पर जोर देते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी जो ऑफिसर था, एक इंग्लिश ऑफिसर ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। ये इटावा जो कि यूपी में है उसके कलेक्टर थे। उन्होंने ह्यूम ने पहले 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ। और इसके बाद जब दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इसका जो इनके जो पहले अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और इसमें पहले जो सम्मेलन जो मुंबई में हुआ था इसमें लगभग 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया, इसमें जिसमें प्रमुख थे दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता और वी राघवचारी, एस सुब्रमण्यम, यह जो लोग थे यह इसके प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक उपाय है, या एक तरीके से एक ऐसी कंपनी की, उस समय एक ऐसी पार्टी की स्थापना हुई थी, एक ऐसे संघ की स्थापना हुई थी जिसकी वजह से लोगों का ये मानना था कि भारतीयों की आवाज़ ब्रिटिश तक पहुंचेगी। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध जिस कितने प्रकार की चीज़ें थी, कितनी प्रकार, किस प्रकार से अपनी बातें पहुँचानी है, उसके लिए कहा गया है। अंग्रेजों ने, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की थी, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग त्वरित चालक के रूप में किया और आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली को रोका जा सके, इसलिए उन्होंने किया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरीके से की स्थापना, चाहे जिस भी उद्देश्य से की गई हो, चाहे वह ब्रिटिश द्वारा लोगों को भ्रमित करने के लिए की गई हो, लेकिन इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह अपने उद्देश्य में वह सफल रही। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? मैंने इसका ऑप्शन आपको बता ही दिया है, उग्रवादी चरण कहा जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उससे पहले का जो समय था उसे उदारवादी चरण कहते थे और ये उग्रवादी चरण था। और इसमें उग्रवाद को जन्म देने के प्रमुख कारण क्या थे? अगर हम इसमें देखें कि इससे इतने पहले तक तो सब उदारवाद था, उसे अचानक से उग्रवाद की भावना क्यों आई? तो देखिए, सरकार द्वारा जो नीतियां थी जिससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, उसके साथ साथ बंगाल विभाजन, विश्वविद्यालय अधिनियम, और जब
अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जैसे कि मिस्र, फ्रांस व टर्की की जनता द्वारा अपने लिए स्वतंत्रता संघर्ष किया गया। इसके साथ साथ हमने यह देखा कि कई प्रकार की ऐसी नीतियां आईं और लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी जिससे लोग काफ़ी दुखी हो गए थे और काफ़ी परेशान हो गए थे, इसलिए उग्रवाद की भावना आई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मुखरतापूर्ण कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो इसका ऑप्शन डी सही है। 1905 का जो बंगाल विभाजन किया था वह एक तरीके से जो प्रमुख कारण था उग्र राष्ट्रीयता के जन्म का। बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया सबसे पहला और सबसे गंभीर प्रहार था। बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय के सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी और इसमें पश्चिमी व पूर्वी बंगाल सहित बिहार व उड़ीसा भी शामिल थी। असम जो था वह भी इसी में था, लेकिन वह 1874 में अलग हो गया था। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कारण यह बताया कि वह इतने बड़े प्रांत को विभाजित किए बिना इसका शासन सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन विभाजन का जो वास्तविक कारण था वह यह था कि उस समय बंगाल राष्ट्रीय चेतना का और राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था उसका केंद्र बिंदु था। इसी को नष्ट करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल को न केवल बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए अपूर्ति बंगाल में बंगाली आबादी को कम करना भी सरकार का एकमात्र उद्देश्य था। और बंगाल का जो विभाजन था वह धार्मिक आधार पर विभाजन के आधार पर था, ठीक है। तो 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 7 अगस्त 1905 को वो कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में इसकी घोषणा होकर और इसको यह प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन की जो योजना थी वह प्रभावी हो गई। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे और जहाँ की कुल जनसंख्या 3,10,00,000 थे, जिसमें 1,80,00,000 मुसलमान और 1,20,00,000 के लोग लगभग हिंदू थे। और जो दूसरा भाग था उसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोग शामिल थे। इसकी जो जनसंख्या थी इसमें 5,40,00,000 की जनसंख्या थी, जिसमें 4,20,00,000 हिंदू और 90,00,000 मुसलमान थे। और इसको 16 अक्टूबर 1905 को उस समय बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसको एक तरीके से एक बहुत बड़ी भूल के रूप में लिया जाता है कई। और इसी की वजह से हम स्वदेशी आंदोलन देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और बहिष्कार आंदोलन की भी शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कई प्रकार के साहित्यिक कार्यों द्वारा लोगों ने कई प्रकार की चीज़ों के द्वारा एक लोगों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया था। और जो महात्मा गांधी जी द्वारा जो ये कहा गया है ना कि भारत का जो वास्तविक जागरण है वह बंगाल के विभाजन के बाद ही सही हुआ, तो वह बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब इसमें हमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या है, किस प्रकार से घटनाएं हुई, तो इसके बारे में हम बताते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहली जो घटना है वह है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो जिसकी सेकेंड ऑप्शन है वह सबसे पहली घटना है। उसके बाद हम देखेंगे है कि महात्मा गांधी का भारत आगमन और फिर है तिलक का होम रूल। तो जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें देखते हैं जो कामता कारू प्रकरण है वह कब हुआ है, वह 1914 में हुआ है। और इसमें क्या था, ये कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित जो विवाद था, कनाडा सरकार ने ऐसा नियम बना रखा था कि उन्होंने वो भारतीयों को अपना प्रवेश नहीं देते थे जो कि सीधे भारत से नहीं आते थे। मतलब उनका ये मानना था कि उनका प्रवेश वर्जित है जो सीधे भारत से नहीं आते हैं। और यह कानून बहुत कठोर था क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे भारतीय कनाडा पहुंच सके। उस समय क्या हुआ था, नवंबर 1913 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 व्यक्तियों को आने से मना कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। उसके बाद फिर एक तरीके से इनको प्रवेश, जब यह घटना हुई थी उसके बाद हम देखते हैं कि कामता कारू एक जहाज था, ठीक है। उससे हमने यह देखा, यह 1914 में जब इस जहाज में कम से कम 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा से ये ब्रिटिश कोलंबिया तट पे पहुंचे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 340 सिख, 24 मुसलमान, 12 हिंदू और ब्रैकेट ब्रिटिश व्यक्ति थे। इस जहाज को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल
जो गदर पार्टी के नेता थे उन्होंने गुरदीत सिंह उनके द्वारा ये प्रयाग शुरू किया गया था और उन्हीं के द्वारा ये किराए पे लिया गया था। 23 मई 1914 को उन वैंकूवर के तट पे जब ये पहुंचा तो उसे 2 महीने तक वहां खड़ा रहना पड़ा क्योंकि कनाडा की सरकार ने वहां पे अनुमति नहीं दी थी। और उसके बाद वहां पे संघर्ष हुआ था जिसकी वजह से हम यह देखते हैं कि वहां पर जो 18 व्यक्ति यात्री जो थे वह मारे गए थे और 202 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। फिर जो यह घटना हुई थी, फिर जो इसमें दूसरे नंबर पर घटना आई है वह है महात्मा गांधी का भारत आगमन। वह जब हुआ है तो महात्मा गांधी जब भारत आए हैं, कब आए हैं, 1915 में महात्मा गांधी भारत आए हैं 1915 में, और उन्होंने अहमदाबाद के समीप साबरमती के तट पर अपने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है। तो दूसरे तो यह सेकेंड नंबर पे आ गया। और फिर जो फर्स्ट थी वह है तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनी बेसेंट ने सिर्फ और ने 1916 सितंबर में अपने लीग की स्थापना की, तो बाल गंगा तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 में बेलागांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उन तिलक द्वारा किए गए 5 महीने की घटना के बाद एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका ऑप्शन ए है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ कि बंगाल विभाजन द्वारा ही जो था स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था। इसका ऑप्शन है डी, ठीक है, 1942 में। हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वह पारित हुआ था जब क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसकी असफलता के बाद और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे और जो युद्ध की स्थितियां चल रही, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था उसकी स्थितियों को देखते हुए जो भारतीय जनमानस था वह काफ़ी असंतोष से भर गया था। तो महात्मा गांधी को इस बात पर विश्वास हो गया था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति से जापानियों को यहाँ पर आक्रमण की दावत मिल जाएगी। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो कांग्रेस की कार्य समिति बैठक हुई थी उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और 14 जुलाई 1942 को जब भारत छोड़ो के प्रस्ताव के पास किए जाने से पूर्व गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर जो यह लोग विरोधी थे उनको चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि वह किसी भी तरीके से वह ऐसा प्रयास करेंगे कि वह यह आंदोलन काफ़ी बड़ा हो और भारत को स्वतंत्रता मिले। तो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस जब था उसके आधार पे यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और तभी से यह प्रस्ताव पारित हुआ था। और उसके बाद बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के साथ 8 अगस्त 1942 को पारित हो गया। और आंदोलन कब से शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 से आंदोलन शुरू हुआ। और आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी और अन्य जितने भी प्रमुख नेता थे उस समय के बड़े नेता थे उन सभी कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। 1943 में यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, चौरा चौरी में जो हिंसक घटना हुई थी उसके कारण यह आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 से शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें इसे जो वेस्ट पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन से अभूतपूर्व सफलता मिली थी और इससे काफ़ी लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गांधी जी ने अपने कैसरे हिंद, जूलू युद्ध पदक और बोअर पदक वापस कर दिया था और उनका अनुसरण करते सैकड़ों लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को वापस किया था। इसके साथ साथ बहिष्कार भी किया गया था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और वहाँ के विदेशी स्कूलों का और सरकारी नौकरियों का कई प्रकार का बहिष्कार किया गया था। और असहयोग आंदोलन के समय शराब और ताड़े की दुकानों पर भी धरना दिया गया था जिससे बड़ी मात्रा में हमने यह देखा कि उन्हें राजस्व की समस्या प्रारंभ हुई थी। अब देखते हैं कि यह निलंबित क्यों हुआ। देखिए, आंदोलन में जब हिंसा बढ़ रही थी तो गांधी जी चिंतित हो गए थे। ठीक है, और
जो सबसे भयानक जो घटना हुई जिसके कारण यह निलंबित हुआ था वह हुई थी 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड द्वारा। इसमें भीड़ ने क्रोध में आकर 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने इस आंदोलन को शीघ्र समाप्त करने का निर्णय लिया था। कई और उनके इस कदम के कई लोगों ने आलोचना की है, क्योंकि उस समय यह जो आंदोलन था वह अपने इसी एकदम बोलते ना चरम बिंदु पर था, और उस समय की स्थिति में यह वापस लेने से कई लोगों को काफ़ी निराशा भी हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, रैमसे मैकडोनल्ड के जो सांप्रदायिक पंचायत आया था उसके विरोध में यह किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में एक पंचायत जारी किया गया, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। इसमें पृथक निर्वाचन की पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी किया गया बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया था। मुस्लिम, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन और महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली की सुविधा दी गई, जो केवल की प्रांतीय विधानमंडलों में ही लागू थी। दलित वर्गों को पृथक चुनाव क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने के पीछे अंग्रेजों की बहुत गहरी चाल थी, और वह सबसे बड़ा कारण था। जो उनकी पुरानी नीति थी फूट डालो और राज करो, वह उसी नीति पर कार्य करना चाहते थे। जब दलित वर्ग की के बारे में जब ये सुना गया कि पृथक निर्वाचक मंडल आया गया है, तब महात्मा गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को इस आमरण अनशन शुरू कर दिया था, और उसके बाद इन बहुत उपवास के 5 दिनों बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, और विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित कर दी गई, और दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में द्वैत शासन की का प्रारंभ हुआ था, कब से हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही है सी, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही है, और सी ऑप्शन द्वारा ये किया गया है। तो जो हम देखते हैं कि 1919 का भारत सुधार अधिनियम, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे उसके द्वारा यह हुआ था, ठीक है। 1919 का जो अधिनियम था इसके द्वारा हम कह सकते हैं भारत में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, और इसके इस समय ही एक तरीके से भारत में उत्तरदायी शासन के कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। और इसी प्रकार से जब भारत में जो द्वि सदन की जो प्रणाली शुरू की गई थी, इसमें केंद्रीय विधानमंडल को पर्याप्त शक्तियाँ दी गई थी, और यह समस्त भारत के लिए कानून बना सकती थी, और जो राज्य विधानमंडल थे उनको इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं थी, ठीक है। और इस समय हमने यह देखा कि यहीं पर इस अधिनियम के अनुसार सभी विषयों को केंद्र व प्रांतों में बांट दिया गया था, और जो सूची अनुवर्ती सूची और केंद्रीय सूची और राज्य सूची जो थी वह भी इस मामले में आई थी। केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और अन्य प्रकार की सूचियाँ भी इस तरीके से आई थी। इस अधिनियम के तहत हम कहेंगे कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी, एक सदन राज्य परिषद के लिए और दूसरे को केंद्रीय विधानसभा में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें मिलाना है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू से संबंधित है, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड नेसनी लिथगो से संबंधित है, अगस्त संकल्प एमए जिन्ना से संबंधित है, और प्रत्यक्ष कार्यवाही यह महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इसका जो 1, 2, 3, 4 यही सही सीधे सीधे आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह हुआ था, और इसी समय यह संकल्प लिया गया था कि हमें पूर्ण संकल्प, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे तो जितने भी अधिवेशन हुए थे या जितने भी प्रस्ताव आए थे उसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई थी, लेकिन इसके बाद भारत में
भारत की स्वतंत्रता का पूर्ण संकल्प लिया गया था, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता सभी प्रकार से ब्रिटिश से स्वतंत्रता का इस समय संकल्प लिया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें बताना है कि इसका के कालानुक्रम बताना है, मतलब कौन सी घटना कब हुई थी। तो इसमें चार घटनाएं दी हुई हैं, असहयोग आंदोलन और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें सही ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन है सी 3124। तो इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं इसको, खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था। देखिए ये क्यों हुआ था कि भारत के जो मुस्लिम थे उस समय वह तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था और उस समय ब्रिटिश राजनीतिकों ने भारतीय मुसलमानों से वचन दिया था कि वह तुर्की साम्राज्य को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने उस साम्राज्य का विघटन किया और खलीफा के पद की भी समाप्ति कर दी गई थी। तो इस प्रकार से यह आंदोलन शुरू हुआ था। फिर हम देखते हैं कि 1919 के समय से यह आंदोलन शुरू हुआ और फिर नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन। यह 1920 के समय शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 में यह शुरू किया गया है। फिर है सेकंड ऑप्शन पे आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1932 के समय। 1932 के समय हम देखते हैं कि एक तरीके से जो नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में शुरू किया गया था लाहौर अधिवेशन में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 में गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह से शुरू हुई थी और गांधी जी ने साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था और 5 अप्रैल 1930 को उन्होंने ये जब नमक कानून तोड़ा तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन की शुरुआत यह थी कि वह अपनी कुछ मांगे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी और वह उसके लिए उनके पूरा होने पे ही वह आंदोलन बंद करते। और फोर्थ है भारत छोड़ो आंदोलन। यह 1942 में हुआ था जब भारत में स्थिति ऐसी थी और जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो इसमें इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। क्या है रॉलेट एक्ट? क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया जिसमें एक योजना पर कार्य करने का प्रयास किया गया था। इसके सुझावों के द्वारा फरवरी 1919 को एक केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधायक पेश किए गए और जिसमें एक विधायक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी यह विधेयक पारित हो गया। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा किए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना अपील का भी कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट जनता की जो स्वतंत्रता थी उसके प्रति प्रत्यक्ष आघात था और इसको भारतीय जनता ने काला कानून कह के भी इसकी आलोचना की है। रॉलेट एक्ट ने की आलोचना करते हुए कई जगह पर कई प्रकार के सत्याग्रह भी हुए थे। 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने के अनुरोध पर कई प्रकार की हड़तालें भी इसके आधार पर की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है बी 6 अप्रैल 1930 को। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, जब मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बताया कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक का उल्लंघन किया गया था क्योंकि उस समय स्थिति यह थी कि जो नमक था जो कि एक बेसिक नेसेसिटी थी उस पर भी टैक्स लगाया गया था और इसके विरोध में यह किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया। तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, सर पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, इनके द्वारा यह अध्यक्षता इसका नेतृत्व किया गया था। 6 जनवरी 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता एटली ने भारतीय नेताओं से जो स्तर पर बातचीत करने के बाद एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया था। 29 मार्च 1946 को यह भारत आया था। इसमें जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स,
श्री एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, ठीक है। और यह इसकी स्थापना के समय उनका जो उद्देश्य था वह यह था कि भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए साथ साथ के लिए एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए एक प्रबंध को तैयार करना, ठीक है। तो यह इस प्रकार की यह चीज़ें की गई थी 1946 की जो, लेकिन जो यह आंदोलन था, कैबिनेट प्रस्ताव आया था उसके, उन्होंने जो जिस प्रकार का जो प्रस्ताव लाया था उससे, कैबिनेट प्रस्तावों में जो प्रांतों का विभाजन किया गया था उससे मुस्लिम लीग काफ़ी संतुष्ट हुई थी और उन्होंने भी इसको इसको स्वीकार कर लिया था। और कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार के गठन की प्रक्रिया में कांग्रेस ने इसका विरोध किया था क्योंकि वह किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं चाहते थे। लेकिन इस परिस्थिति में भी जब कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया था तब लीग व कांग्रेस ने ना चाहते हुए भी इसके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। तो इसी के आधार पर जब हम ये देखते हैं कि अंतिम सरकार की स्थापना के लिए जो प्रस्ताव आया था और जो जब चुनाव हुआ था उस समय की स्थिति देख के, जब संविधान सभा में जो इस प्रकार का चुनाव हुआ था और जिसमें कांग्रेस द्वारा जीत के बाद लीग के जो नेता थे वह काफ़ी बौखला गए थे और 16 अगस्त 1946 में लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की जो शुरुआत थी वह उसी समय से हुई थी और इसी वजह से इसी समय सांप्रदायिक दंगे के उद्देश्य, सांप्रदायिक दंगे और कई प्रकार की हिंसा की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका ऑप्शन है सही सी, जेबी कृपलानी। 1947 जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय के अध्यक्ष ये थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? का ऑप्शन बी सही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्राप्त करना। यह 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ठीक है। और यह जो मिशन था यह स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था और इन्होंने, इनकी जो प्रमुख चीज़ें थी वह यही थी, वह भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना चाहते थे और इसके साथ साथ वह चाहते थे कि युद्ध के बाद किसी भी तरीके से भारत को, भारतीय संघ की स्थापना हो जाए, ठीक है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा, दोनों के द्वारा ही क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जब क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, कब समाप्त हुआ था, मतलब किस प्रकार की स्थिति ऐसी बनी थी? तो इसका ऑप्शन है सी, कैबिनेट मिशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद जब पहले तो मुस्लिम लीग द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया था, तब कांग्रेस की सहमति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की सहमति के ने जब हुई उसके बाद जो चुनाव हुए थे और फिर मुस्लिम लीग का उससे पीछे हटना और जिस प्रकार की स्थिति, 16 अगस्त का जो सीधी कार्यवाही का जो कानून, जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, जिस प्रकार के दंगे हुए थे, उस प्रकार की स्थिति के बाद ऐसा लगता था कि भारत का विभाजन, जो सांप्रदायिकता और जो हिंसा देखने को मिली थी, भारत का विभाजन टलना मुश्किल था। उसके बाद यह कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ा, इसको जो अस्वीकार करने के साथ साथ ही जो भारत के विभाजन के टालने की जो अंतिम अवसर था वह समाप्त हो गया था। तो आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।